हाँ दुश्मन का पत्र दिया गया है और ये पत्र को अपनी माँ को लिखो, ठीक है। लेखक कौन है? रामप्रसाद दुश्मन। पत्र उन्होंने ही लिखा है तो लेखक भी जैसी बात नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक पे आएंगे, ठीक है। मौखिक का क, मौखिक का क प्रश्न है, यह पत्र लिखेंगे, यह पत्र बिस्मिल ने अपनी माता को लिखा है, ठीक है। यह पत्र बिस्मिल ने अपनी माता को लिखा है, ठीक है बच्चों। दिया गया है, ठीक है। एक गद्यांश दिया गया है,
चौथा वाला ऑप्शन होगा, अभी खा देंगे।
व्यंजन है, उनमें से शब्द वर्ण जो दिया गया है वर्ण को जोड़ करके हमको शब्द युग्म बनाना है। किसके किसके साथ? ये इन पहले वाले शब्दों के साथ युग्म बनाना है, ठीक है। पहला है पालन, पालन के साथ आप लिखोगे पोषण, ठीक है, पालन के साथ पोषण लिखना। दूसरा है रंग, रंग के साथ लिखोगे बिरंगा, ठीक है। अगला है माता, इसके साथ लिखेंगे पिता। अगला है देश, इसके साथ लिखेंगे विदेश। भोग के साथ लिखेंगे विलास। फिर है अगल, अगल के साथ लिखोगे बगल। घर के साथ लिखोगे मकान। एक और बात मैं पढ़ रही हूँ आप सुनेंगे, पालन पोषण, रंग बिरंगा, माता पिता, देश विदेश, भोग विलास, अगल बगल, घर बाहर, ठीक है। भाषा व्याकरण का दूसरा प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में निपात के बारे में बताए गए हैं। निपात यानी कुछ शब्द, वो शब्द जिन पर हम बल देते हैं और बल देने के कारण वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। निपात वो शब्द होते हैं जिन शब्दों पर हम बल देते हैं, अधिक बल देते हैं, जिसके कारण वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। निपात के उदाहरण है ही, भी, तो, सा, ठीक है। देखो वाक्य पढ़ो बेटा, मुझे तुम्हारी जैसी ही माँ चाहिए। इसका मतलब क्या है? मुझे तुम्हारी जैसी ही माँ चाहिए, जैसे तुम्हारी माँ है मुझे बिल्कुल वैसी ही माँ चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी माँ चाहिए। मुझे तुम्हारी ही जैसी माँ चाहिए, इसका मतलब क्या है? मुझे तुम्हारी ही जैसी माँ चाहिए, यानी जैसे जैसे तुम्हारी माँ है बिल्कुल वैसी ही माँ चाहिए मुझे। तीसरा है मुझे ही तुम्हारी जैसी माँ चाहिए, यानी मुझे ही तुम्हारी जैसी माँ चाहिए, और किसी का मुझे नहीं पता, मुझे तो तुम्हारी जैसी माँ चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी जैसी माँ, ठीक है। चौथा है मुझे तुम्हारी जैसी माँ ही चाहिए, जैसे तुम्हारी माँ है बिल्कुल वैसी ही माँ मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे तुम्हारी जैसी माँ ही चाहिए, माँ पर बल दिया गया, ठीक है। एक ही वाक्य में केवल ही शब्द का स्थान बदल देने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। एक ही वाक्य में खाली ही शब्द का स्थान बदल देने पर उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। पहले वाक्य में ही जैसे शब्द पर बदल दिया गया है, दूसरे वाक्य में तुम्हारी, तीसरे वाक्य में मुझे, और चौथे वाक्य में माँ शब्द पर बदल दिया गया है। ही एक अविकारी शब्द है, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं, ठीक है। बोलते समय जब हम इन्हीं विशेष शब्दों के ऊपर बल देते हैं ना, तुम्हारी जैसी, तो उन शब्दों को हम निपात कहते हैं। अभी प्रश्न देखें, नीचे दिए गए निपातों से चार विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाएंगे, ठीक है। नीचे दिए गए निपातों से चार विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाएंगे। भी, ठीक है। तो पहला लिखेंगे भी, इसका लिखिए आप भी बैठ जाइए। भी से क्या वाक्य बनाओगे? आप भी
Thank you.
शिक्षा के साथ हम लोग एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा शैक्षिक। जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण,
बलिदानी निडर स्वाभिमानी आदर्श एवं मातृभक्त पुत्र